आज जैसे ही ये खबर आई कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ आ गए हैं और एनडीए के साथ गठबंधन कर लिया है, यूपी की सियासत में मानो भूचाल आ गया। बस फिर क्या था, सपा नेताओं ने राजभर के पुराने ट्वीट्स और वीडियोस की झड़ी लगा दी। समाजवादी पार्टी ने इस गठबंधन पर सवाल उठाते हुए ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी दोनों पर हमला बोला। समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर का पुराना वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें राजभर बीजेपी वालों को गंदी गाली दे रहे हैं। सपा ने अपने मीडिया सेल हैंडल पर लिखा, अखिलेश यादव के पीडीए ऐलान यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक एकता के बाद से भाजपा घबराई हुई है और गाली खाकर भी गालीबाज को शामिल कर रही है। ये वही राजभर है जो पूर्व में भाजपा नेताओं को माँ बहन की गालियाँ देते थे, आज यही एनडीए में शामिल हुए हैं। भले ही यूपी राजभर अपने पुत्र के साथ एनडीए में शामिल हो गए हों, लेकिन अति पिछड़ा राजभर समाज का युवा, बुजुर्ग और महिलाएं उनके साथ नहीं है, और जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो ओपी और भाजपा दोनों को अपनी गलतियों का एहसास होगा। संपूर्ण पिछला दलित अल्पसंख्यक पीडीए सपा के साथ है। सूत्रों के मुताबिक राजभर ने योगी कैबिनेट में मंत्री पद, यूपी में 3 लोकसभा सीट और बिहार में 1 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की शर्त रखी है। इनमें घोसी और चंदौली सीट शामिल है। गठबंधन का ऐलान करने पर राजभर ने कहा, सामाजिक न्याय, देश की रक्षा, सुरक्षा, सुशासन, वंचित, शोषित, पिछड़ों, दलितों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों, हर कमजोर वर्ग को शाश्वत बनाने के लिए बीजेपी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मिलकर लड़ेंगे। सुभाषपा और भाजपा का गठबंधन होने से एनडीए को मजबूती मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए द्वारा गरीबों व वंचितों के कल्याण हेतु किए जा रहे प्रयासों को और बल मिलेगा। ओम प्रकाश राजभर ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत काशीराम के साथ की थी। 1981 में काशीराम से जुड़े और बसपा के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे। बाद में मायावती के साथ विवाद होने पर राजभर ने अपनी दिशा अलग करने का फैसला लिया। इसके बाद उन्होंने भारतीय समाज पार्टी का गठन किया। 2004 के लोकसभा चुनाव से उन्होंने अपने उम्मीदवारों को उतारना शुरू किया। यूपी और बिहार में वो अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की कोशिश करते रहे। हालांकि उन्हें किंग मेकर की जगह खेल बिगाड़ने वाले नेता की पहचान मिली। बाद में उन्होंने अपनी पार्टी को पिछड़ा वर्ग से जोड़ने के लिए महाराज सुहेलदेव के नाम का उपयोग किया और अपनी पार्टी का नाम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी रख दिया। ओम प्रकाश राजभर ने साल 2017 में भाजपा के साथ गठबंधन किया। योगी सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बनने के बाद उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ गई और उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कई दलों के साथ गठबंधन कर लोकसभा चुनाव 2019 में उतरे, लेकिन वहां सफलता नहीं मिली। यूपी चुनाव से पहले उन्होंने सपा के साथ गठबंधन किया और राज्य में बीजेपी को जमकर घेरा। अब आज के इस सियासी उलटफेर के बाद उनकी वापसी फिर से एनडीए में हो गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।